मनु एकेडमी के इंटरव्यू क्वेश्चन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का भैया जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये टोटली एक्सपीरियंस बेसिस पे है और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इसको कभी ना कभी फील नहीं किया हो। फील किया होगा, उसके बारे में आपने सोचा नहीं सोचा दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट एहसास तो जरूर किया होगा। मतलब आप कभी रोड पे जा रहे होगे और आपके पास से अगर कोई हाई स्पीड व्हीकल निकलती है ना, तो ऐसा लगता है कि व्हीकल आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। थोड़ी सी छोटी व्हीकल में कम फील होगा, बड़ी व्हीकल में ज्यादा फील होगा, वही व्हीकल थोड़ी ज्यादा स्पीड से रहेगी तो और ज्यादा फील होगा। अगर कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, फीलिंग लेना है तो कभी ट्रेन जा रही हो ना, उसके क्लोज जाना, मतलब बहुत क्लोज मत जाना, नहीं तो फीलिंग 2 सेकंड में बंद हो जाएगी। थोड़ा दूर से ही आपको एहसास हो सकता है अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो, कि वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि विच थियरम और लॉ यू स्टडीड दैट कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, जो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकती है, ऐसी कौन सी थियरम और लॉ आपने पढ़ा है साइंस में, डिप्लोमा में, अपने इंजीनियरिंग में, ग्रेजुएशन में, कहीं पे भी पढ़ा होगा तो उस थ्योरम को बताना है और कैसे एक्सप्लेन करता है वो भी आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में करिए आंसर, और डिस्कशन के लिए कमेंट बॉक्स में आपको बाकी लोगों के जो आंसर हैं वो भी रीड करने हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।